आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। इन दिनों किसान सबसे ज्यादा चर्चा में है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं के बारे में हम आज आप विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हम आप पहुंचे कलेक्ट्रेट में खान साहब के पास। आप फूड कंट्रोलर हैं, हम सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि इस समय जो किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है, खासतौर से धान, यूपी और एमपी में आपने जगह जगह चेक पॉइंट भी बना रखे हैं, फिर भी धान वहाँ से आ रही है, इसको रोकने के आपने क्या उपाय किए और अभी तक कितनी खरीदारी हुई, कितने केंद्र हैं, जरा विस्तार से इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जिले में पिछले वर्ष 71 उपार्जन केंद्र धान के बनाए गए थे। इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए कोविड-19 को देखते हुए 122 उपार्जन केंद्र जो है खोले गए हैं, जिनमें से 118 उपार्जन केंद्रों से किसानों से धान उपार्जन का काम प्रारंभ हो गया है। 7779 किसानों से अभी तक जो खरीदी हुई है वो 2,23,000 कुंटल धान की खरीदी हो चुकी है और किसानों को जो भुगतान है लगभग ईपीओ जो जारी हुए हैं वो 25 ईपीओ जारी हो गए हैं और 480 किसानों को लगभग 2 करोड़ की राशि का भुगतान जो है हो चुका है। इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि पहले क्या होता था, एसएमएस आप भेजते थे, उसके लिए 24 घंटे का टाइम होता था। अब लोगों के घर में शादी बारात है, किसी वजह से अगर वो नहीं आ पाते तो क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ उनको सुविधा देने का प्रयास किया? एसएमएस की जो बात है, शासन स्तर से एसएमएस जारी होते हैं, पहले एक दिन का उसका समय होता था, अब शासन ने उस समय को बढ़ाकर रीवा ज़िले के लिए 15 दिन कर दिया है। जिस किसान को एसएमएस जारी होगा 15 दिन के अंदर वो उपार्जन केंद्र पर पहुंचकर अपनी धान की फसल जो है एफएक्यू क्वालिटी का वो विक्रय कर सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में अगर किसी किसान भाई को एसएमएस जारी नहीं हो पाए हैं और उनके यहाँ शादी ब्याह है या इलाज के लिए पैसे की या अन्य किसी कारणवश उनको तत्काल पैसे की आवश्यकता है तो जिला स्तर पर भी कलेक्टर लॉगिन से एक केंद्र से 3 किसानों को एसएमएस जारी करने की सुविधा है और इस सुविधा का लाभ किसान भाई ले रहे हैं। ये तो हुई किसानों की बात, आम जनता से जुड़ा हुआ आपका विभाग है, खासतौर से गरीबों को लेके। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली है, जिनको भी आप अभी तक गल्ला दे रहे थे पीडीएस को लेकर, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति? जिले में जो 25 श्रेणियां शासन ने तय की थी उन 25 श्रेणियों के उपभोक्ताओं को जो है अनाज जो है दिया जा रहा है। हाँ, अभी बीच में जरूर 2-3 महीने से कुछ शिकायतें आई हैं कि उपभोक्ताओं के नाम जो कार्डधारी हैं उनके नाम कट गए, उनकी पात्रता पर्ची पर उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे परिवार जिनके नाम कट गए हैं, पात्रता पर्ची अनुसार उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है, वो संबंधित निकायों में जाकर फिर से अपनी एम राशन मित्र पोर्टल पर अपने परिवार की फिर से सत्यापन करा लें और उनके सत्यापन के बाद फिर वो फूड इंस्पेक्टर लॉगिन में जाएगा, फूड इंस्पेक्टर उसको अपने लेवल पर वेरीफाई करेगा, फिर भोपाल जाएगी वो और उसके बाद फिर उनकी पात्रता पर्ची जारी हो जाएगी और उनका आवंटन भी जारी हो जाएगा, उस आधार पर उनको फिर से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। ये थे फूड कंट्रोलर जिनका साफ तौर से कहना था धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी जारी है, उनको वहाँ पर भुगतान भी किया जा रहा है, पीडीएस के लिए पात्रता पर्ची भी बनवाई जा रही है, लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।